हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने परिवार करंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज है 3 जून 2020 और 3 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अश्विनी भाटिया को निम्नलिखित में से किस बैंक के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी अश्विनी भाटिया को SBI बैंक के MD के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बात आती है SBI बैंक, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो SBI बैंक का हेड क्वार्टर मुंबई में है और SBI बैंक के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। और अगर अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया MD मातम वेंकट राव को नियुक्त किया है। किसे? मातम वेंकट राव को। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने अपना नया अगला MD PP सेन गुप्ता को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? PP सेन गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसने लाइफ सेविंग तकनीकी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए CTAP लॉन्च किया है। तो अभी WHO ने लाइफ सेविंग तकनीकी की समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए CTAP लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बात आती है CTAP, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीके और दवाओं के विकसित में तेजी लाना है और विकसित किए गए किसी भी उत्पाद की निर्यात क्षमता को बढ़ाना है। बात आती है CTAP, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सिस पोल। अब यहाँ पर बात हुई है WHO की भी, तो WHO की फुल फॉर्म क्या होती है। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 1948 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष टेड्रोस अधानो केवेरियस हैं। कौन है? टेड्रोस अधानो केवेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान से महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है। तो अभी भारतीय मौसम विभाग ने निसर्ग चक्रवाती तूफान से गुजरात और महाराष्ट्र में टकराने की अलर्ट जारी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी अम्फान तूफान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया था। अब बात आती है भारतीय मौसम विभाग की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष है मृत्युंजय महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो अभी 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर उस समय 29वां राज्य बना था। कब? उस समय 29वां राज्य बना था। प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में 28 स्टेट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 अलग यूनियन टेरिटरी में बढ़ चुका है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, इसलिए अब 28 राज्य हो गए और ये उस समय 29वां राज्य बना था तेलंगाना। अब बात आती है तेलंगाना की, तो मैप में देखते हैं तेलंगाना। ये है मैप में तेलंगाना, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिलसाई सौंदर्य राजन। कौन है? तमिलसाई सौंदर्य राजन। और तेलंगाना से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो तेलंगाना के अभी कुछ दिन पहले तेलिया रुमाल को GI टैग मिला था। किस रुमाल को? तेलिया रुमाल को GI टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में बिहाइंड द मार्क्स COVID-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो अभी बिहाइंड द मार्क्स COVID-19 नामक पुस्तक मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने लिखी है। किसने लिखी है? मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो इस योजना में जून 2020 से लेकर मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी उड़ीसा गवर्नमेंट और इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।
अब इस योजना को उड़ीसा ने मंजूरी दी है। तो उड़ीसा मैप में देखते हैं, ये है मैप में उड़ीसा जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक से एक क्वेश्चन बन जाता है कि पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से किसे सम्मानित किया था? तो पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवीन पटनायक को सम्मानित किया था। और उड़ीसा का गवर्नर है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक पहुंचने वाले नासा के दो अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो अभी स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में नासा के दो अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक पहुंचे हैं, उनका नाम रॉबर्ट बेनकेन है और डगलस हर्ले है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अब बात आती है स्पेस एक्स की। तो स्पेस एक्स ये अमेरिका की एक निजी एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 में हुई थी। कब हुई थी? 6 मई 2002 को। और इसके संस्थापक और सीईओ एलोन मस्क हैं। कौन है? एलोन मस्क। और इसका हेड क्वार्टर कैलिफोर्निया में है। अब बात आती है नासा की। तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 1958 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसने एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में विश्व में कोरोना से प्रभावित टॉप 10 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना रहा है? तो विश्व में कोरोना से प्रभावित टॉप 10 देशों की सूची में भारत की रैंक 7th है। कितनी है? 7th। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया है? तो अभी हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रानी रामपाल को नामित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। रानी रामपाल ये इंडियन हॉकी महिला टीम की कैप्टन है और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए हॉकी इंडिया ने नामित किया है। और अभी कुछ दिन पहले BCCI ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया था और हरमनप्रीत सिंह को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है और मोनिका को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी इंडिया के पुरुष टीम के कैप्टन है और रानी रामपाल ये महिला टीम की कैप्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में रेलवे ने COVID-19 रोगियों के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो अभी रेलवे ने COVID-19 रोगियों के लिए दिल्ली में आइसोलेशन कोच लगाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी आइसोलेशन कोच रेलवे ने लगाया है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक बहुउद्देशीय कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो अभी DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक बहुउद्देशीय कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये DRDO ने विकसित की है, तो DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। और 1958 को ही नासा की भी स्थापना हुई थी, इसकी नासा की। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।